नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स, आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित हवा ने महिला को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। दहेज को लेकर ससुराल वालों ने महिला की गला दबाकर की हत्या, पीड़ित परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट सदस्यों की हुई बैठक, वित्त कमेटी के निर्णय को मिली मंजूरी। भागलपुर में अब डिजिटल तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगे छात्र, नगर विधायक अजीत शर्मा ने स्मार्ट क्लास का किया शुभारंभ। और शराब तस्करी में लिप्त महिलाओं ने नए तरीके किए इजाद, बिहार से सटे झारखंड बॉर्डर पर शराब खरीदारी करती महिला कैमरे में हुई कैद। और अब खबरें विस्तार से। लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी के समीप मुख्य सड़क पर हवा की चपेट में आने से महिला की मौत मौके पर ही हो गई। धनकुंड थाना क्षेत्र के बबूरा गांव निवासी तबरेज आलम की पत्नी रुकवाना भाई के साथ बाइक से खैरा जा रही थी। बच्चों को भूख लगने के कारण सड़क किनारे बाइक खड़ी कर दूध का बोतल निकालने के क्रम में बोतल सड़क पर गिर गया। बोतल उठाने के दौरान तेज गति से आ रहे हैवा ने रुकवना को रौंद दिया। घटना के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और आक्रोशित लोगों ने आए दिन सड़क दुर्घटना से हो रहे लोगों की मौत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। लोगों ने दोषी ड्राइवर को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ता देख मौके पर पहुंची लोदीपुर थाना पुलिस ने लोगों को ड्राइवर की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाते हुए जाम हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। बाका पंजवारा थाना क्षेत्र चचरा गांव में शुक्रवार की रात्रि महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप सास, ससुर और देवर पर लगा है। मृतका मीरा देवी की शादी 5 साल पूर्व चचरा गांव निवासी दिलमोहन मांझी के बेटे रवि मांझी से हुई थी। रवि मांझी दिल्ली में मजदूरी करता है, जबकि उसकी पत्नी ससुराल में ही रहती थी। अगर मृतका के पिता प्रकाश कोतवाल की माने तो मृतका के सास रतनी देवी, ससुर दिलमोहन मांझी और देवर छोटू कुमार दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिसको लेकर मृतका के पिता ने लोढ़िया खुद्र ग्राम कचहरी में आवेदन देकर दहेज प्रताड़ना की बात रखते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। और पंचायती के दौरान लड़के के पिता ने लड़की को साथ रखने की बात कही थी, लेकिन शुक्रवार की रात दहेज लोभियों ने मीरा देवी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी सास, ससुर और देवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सिंडिकेट हॉल में शनिवार को सिंडिकेट सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने की। इस दौरान मुख्य रूप से अंगीभूत और संबद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के 22 कोर्सों पर चर्चा हुई। कुलपति विद्यालय के अधिकारी से कई सवाल पूछे और पूर्व में हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी ली। कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि पूर्व में वित्त कमेटी के लिए गए निर्णय को सिंडिकेट से अनुमोदित कर दिया गया है, साथ ही पद सृजन कमेटी के प्रपोजल को स्वीकार करते हुए एफिलेटेड कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकतर कर्मचारियों के मामले को भी सिंडिकेट से साहा ने कहा कि पूर्व में वित्त कमेटी के लिए गए निर्णय को सिंडिकेट से अनुमोदित कर दिया गया है, साथ ही पद सृजन कमेटी के प्रपोजल को स्वीकार करते हुए एफिलेटेड कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकतर कर्मचारियों के मामले को भी सिंडिकेट से अनुमोदित कर दिया गया। बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, डॉक्टर हरपाल कौर, डॉक्टर सरोज कुमार समेत कई लोग मौजूद थे।
भागलपुर के इंटर स्तरीय मारवाड़ी पाठशाला में शनिवार को नगर विधायक सह विद्यालय प्रबंध के अध्यक्ष अजीत शर्मा ने स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। इस दौरान बच्चों को स्मार्ट क्लास के बारे में जानकारी दी गई। विधायक ने विद्यालय परिसर में जल संकट दूर करने के लिए किए गए समरसेबल बोरिंग का उद्घाटन करते हुए विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक राधेश्याम राय, सोइन अंसारी समेत विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। जिससे बच्चे को सीख सकेंगे। आप देख रहे हैं टीवी लगा हुआ है, उसमें सारे प्रोग्राम डाले हुए हैं और आज का ये सोच है बिना शिक्षा के और बिना स्वास्थ्य के बिहार का विकास सोचना ही गलत है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, अगर शिक्षा में बढ़ोतरी होती है, हेल्थ में सुधार होता है, अगर कोई बीमार पड़ जाए, ये दोनों अगर विकास होता है तो बिहार का सतत विकास होता है और जनता आपको आशीर्वाद। बिहार में शराबबंदी के बाद नित रोज शराब तस्कर तस्करी के नए तरीके इजाद कर रहे हैं। दूध ले जाने वाले कंटेनर, बिस्कुट के कार्टून, गैस सिलेंडर, स्कूली बैग का उपयोग कर शराब तस्करी को अंजाम दे रहे थे, जिसका पुलिस ने उद्भेदन किया। आए दिन बिहार में शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से तस्करी रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। शराब तस्कर के नए तरीके से तस्करी करते हुए हमारे रिपोर्टर बालकृष्ण ने कुछ महिलाओं को कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल बिहार से सटे पड़ोसी राज्य झारखंड हनवारा थाना क्षेत्र के खैरा टीकर गांव में झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी शराब दुकान से बिहार की कई महिला शराब खरीदारी कर अपने गांव ले जाकर महंगे दामों में बेचती है। दुकानदार महिलाओं को दुकान बंद कर बैग में शराब भर देता है, जिससे कि आसानी से शराब बिहार पहुँचाया जा सके। महिला ने बताया कि यहां से शराब लेकर बिहार बॉर्डर पार कर भागलपुर के रसलपुर घोघा थाना क्षेत्र में महंगे दामों में खपाती है। महिला ने बताया कि महिला होने के कारण पुलिस पूछताछ नहीं करती है, उनके सामान का जांच नहीं करती है, जिसका फायदा उठाती है। कैमरे में कैद हुई महिला घोघा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। भागलपुर कचहरी परिसर स्थित पेंशनर समाज भवन सभागार में शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर की ओर से कार्यकर्ता अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति के लिए पार्टी का गठन करने की बात करते हुए कहा कि सरकार गंगा सफाई अभियान चला रही है, लेकिन स्वच्छ राजनीति के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जाता है। आज की राजनीति वंशवाद, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार पर आधारित है, जो देश और लोकतंत्र के लिए घातक है। लोजपा सेकुलर के डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा कि हम सभी को पूरी ईमानदारी के साथ देशभक्ति में कार्य करने की जरूरत है, जिससे बिना भेदभाव के सभी जाति वर्गों का विकास हो सके। मौके पर विष्णु पासवान, आशीष कुशवाहा, उमेश शर्मा समेत कई पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। सवाल है कि राजनीति को, संपूर्ण राजनीति को जो गंगा से भी ज़्यादा मैली हो गई है और मैली गंगा को साफ करने का अभियान सरकार चलाती है, लेकिन राजनीति के सफाई का कोई अभियान नहीं चलता है। इस अभियान को भी चलाने की जरूरत है। राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का जितना बोलबाला बढ़ा है, वो लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही घातक और खतरनाक है। इसलिए हम लोगों ने नए सिरे से मुहिम शुरू किया है। शुक्रवार को लॉ परीक्षा के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का ओल्ड पीजी कैंपस परीक्षा बहिष्कार के कारण रणक्षेत्र बन गया था। वहीं शनिवार को लॉ के छात्र छात्राओं ने बहुउद्देशीय प्रशाल में शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र पर कहीं से कोई हंगामा या कदाचार की सूचना नहीं मिली। 3 वर्षीय और 5 वर्षीय लॉ परीक्षा मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सम्पन्न हुई। केंद्राधीक्षक प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने आगे की परीक्षा कदाचार मुक्त कराने का दावा करते हुए परीक्षा में सहयोग के लिए जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार प्रकट किया।
मौके पर डॉक्टर आनंद मिश्रा समेत कई वीक्षक मौजूद थे। आज परीक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, इसके लिए हम LLB के छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहेंगे। अच्छे पढ़ने लिखने वाले छात्रों ने जो सहयोग किया है और निष्पक्ष वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षाएं हो रही है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अपनी विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन लोगों के सहयोग से यह निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षाएं हो रही है और छात्रों का बहुत सहयोग मिल रहा है। छात्र काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और बेहतर निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए आज इस मौके पर जो शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही है, हम तमाम विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और अपने विश्वविद्यालय प्रशासन को और टीम से जुड़े हुए यहाँ वीक्षकों को सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क TV के साथ। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क TV। भागलपुर नया टोला करोड़ी बाजार में पिछले 4 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और बिजली नहीं रहने से परेशान उपभोक्ताओं ने शनिवार को बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर समस्या समाधान की मांग की। लोगों का कहना था कि कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के कारण हमेशा बिजली बाधित रहती है और समस्या समाधान को लेकर कर्मियों के द्वारा पैसे की मांग की जाती है। भागलपुर कोतवाली चौक जैन मंदिर रोड स्थित श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी में इस्कॉन मंदिर परिवार की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के सदस्यों ने कहा कि इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 ईस्वी में की गई थी और भागलपुर में 24 जुलाई को भजनामृत संघ द्वारा राधा कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए गिरजा मुक्तेश्वर कॉलोनी में भूमि पूजन एवं सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भूमिदान के लिए इस्कॉन की ओर से राय बहादुर मुक्तेश्वर प्रसाद के परिवारजनों का आभार व्यक्त किया गया। सत्संग कथा का आयोजन 26 जुलाई तक होगा, जिसमें श्री वृंदावन धाम के परम पूज्य आश्रय महाराज भागवत कथा प्रवचन करेंगे। शुक्रवार को लॉ परीक्षा के दौरान लाठी चार्ज के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने शनिवार को प्रशासनिक भवन परिसर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए घटना की निंदा की और कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र शाह का पुतला दहन किया। NSUI के संयोजक बम प्रीत और अंग क्रांति सेना के संयोजक शिशिर रंजन सिंह ने नारेबाजी करते हुए लॉ परीक्षा के केंद्राधीक्षक प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को हटाने की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जिला प्रशासन के सहयोग से निस्सहाय छात्रों को बेरहमी से पिटवाया। जो छात्र एग्जाम देने के लिए भी राजी थे, SDM ने कहा पहले पिटाई खा लो तब परीक्षा देने जाना, जिसमें कि बहुत छात्र घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इसी के विरुद्ध में आज NSUI और अंग क्रांति सेना के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका गया है और जब तक हर्जी केस विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संगठनों के ऊपर से नहीं लेगा वापस, तब तक संगठन का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन माफ़ी नहीं मांग लेंगे और जवाब नहीं देंगे कि किस लिए लाठी चार्ज किए। कोई अपराधी नहीं था, छात्र था। पहली दिन जो घटना हुई, चोरी हुई, चोरी में छात्र पकड़ा गया, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय का हम लोग हर समय विरोध करते हैं, वो सही निर्णय था, चोरी किया, जेल भेजिए, लेकिन कल जो लाठीचार्ज हुआ ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। इसमें रागीर, अभिभावक, विद्यार्थी, निर्दोष पर लाठीचार्ज हुआ, जिला प्रशासन इसका जवाब दे, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। छात्र जदयू के बजरंग विहारी ने कहा कि
कुछ कदाचारी छात्रों के कारण लौ परीक्षा विवाद का कारण बन जाती है। मौके पर सवर्ण सेना के प्रदेश महासचिव गुलशन चौधरी समेत कई छात्र नेता मौजूद थे। लॉ कॉलेज की जो भी घटना हुई है वो शर्मनाक है, और जो यहाँ पे जो छात्र कुछ छात्र नेता अपनी रोटी सेकने के लिए नजायज राजनीति कर रहे हैं वो सरासर गलत है। इसमें जो आम छात्र है जो कि दूर दराज से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, दूर दराज से आते हैं यहाँ पे एग्जाम देने के, और वो इस आंदोलन के कारण जो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए सरासर नाइंसाफी है। जो लड़का पकड़ाया गया है धर्मनाथ सिंह नाम का, वो उसमें संलिप्त था जैसा कि विश्वविद्यालय प्रशासन बता रहा है, वो एक्सपेल्ड किया गया ठीक करने पे। और हम लोग जो है छात्र जदयू जो है कदाचार मुक्त परीक्षा का पक्षधर रहा है। बांका बौसी थाना क्षेत्र में अपराध का सिलसिला जारी है। पुलिस अपराधियों और अपराध पर काबू पाने में पूरी तरह विफल है। अपराधी सरेआम लूटपाट की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। बंधन बैंक कर्मी से दिन दहाड़े लूट की घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को अपराधियों ने बौसी बाजार डैम रोड स्थित सीमेंट छड़ विक्रेता जयराम चौधरी के दुकान पर 3 अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर दुकान से 30,000 नकदी के साथ मोबाइल लूटकर आसानी से फरार हो गया। हथियारबंद अपराधी पहले दुकानदार को अपने कब्जे में लिया, फिर दुकानदार से मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही बौसी थाना के अवर निरीक्षक सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल बाबा धाम जा रहे हैं। लगातार 19वीं बार सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ इस बार 90 कांवरियों का दल शामिल है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने इस वर्ष की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कच्ची कांवरिया पथ पर बालू की जरूरत बताई। का सफर बहुत ही अच्छा रहा। परसों सवेरे आदमी जल उठाया लगभग 6:45 बजे, और 6:45 बजे जल उठाने के बाद चला मतलब। आज धूप ज़्यादा था इसीलिए सवेरे हम लोग 9-10 बजे से कहीं नहीं निकले, और अभी 5 बजे निकले। बाबा की कृपा होगी तो हम लोग कल जो है जल सकते। व्यवस्था सब ठीक ही है। व्यवस्था देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था, प्रशासन और सबके लोग लगे रहते हैं, सब लोग प्रयास करते हैं। बहुत से सामाजिक संगठन भी अभी जो है लगे हैं, समाज के हर जगह लोग सेवा कर रहे हैं। उसके बाद भी चूँकि इतनी लंबी यात्रा है तो अब थोड़ा बड़ा कष्ट तो होगा भाई। बम बेलहर थाना क्षेत्र जिलेविया मोड़ के समीप देवघर जा रही ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 कांवरिया जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलहर में भर्ती कराया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया। घायल कांवरियों में गाजीपुर नंदगंज के राम आशीष गुप्ता, गाजीपुर गोलाधरी के सुबचन राम, मध्य प्रदेश मुडपेली गांव के निवासी मुकेश पटेल, राजेंद्र पटेल, अररिया के ऋषुराज सिंह तथा नवादा के महेंद्र कुमार, बबीता देवी शामिल हैं। भागलपुर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में शनिवार को बच्चों को पर्यावरण दूत बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई। इस अवसर पर शिक्षकों ने बच्चों को प्रदूषण से बढ़ते खतरों के प्रति जागरूक करते हुए कई उपाय बताए। इस दौरान स्कूल परिसर में बच्चों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक पौधे लगाने की बात कही। शिक्षकों ने भी वृक्ष के महत्व और अनिवार्यता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में स्कूल की निदेशिका डॉक्टर निहारिका भारती, सचिव मीना तिवारी, प्रीति कुमारी, साधना कुमारी, अमृत समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थी। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद द्वारा आयोजित नाट्य कार्यशाला में शनिवार को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से आए प्रशिक्षक आलोक रंजन ने डायलॉग डिलीवरी, फिजिकल एक्सरसाइज, कंपोजिशन, स्क्रिप्ट राइटिंग समेत कई आवश्यक जानकारी कलाकारों को दी।
इस दौरान विभिन्न संस्थानों के युवा एवं नवोदित रंगकर्मी को एक्टिंग के साथ सफल कलाकार बनने के लिए कई टिप्स दिए गए। संवेद के निदेशक विक्रम ने कहा कि रविवार को तिलकामांझी स्थित विवाह भवन में कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें कलाकारों के द्वारा नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। मौके पर काफ़ी संख्या में रंगकर्मी एवं कलाकार मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित हवा ने महिला को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। दहेज को लेकर ससुराल वालों ने महिला की गला दबाकर की हत्या, पीड़ित परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट सदस्यों की हुई बैठक, वित्त कमेटी के निर्णय को मिली मंजूरी। भागलपुर में अब डिजिटल तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगे छात्र, नगर विधायक अजीत शर्मा ने स्मार्ट क्लास का किया शुभारंभ। और शराब तस्करी में लिप्त महिलाओं ने नए तरीके किए इजाद, बिहार से सटे झारखंड बॉर्डर पर शराब खरीदारी करती महिला कैमरे में हुई कैद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।